मैनपुरी जनपद की करैल विधानसभा का उपचुनाव होना है। अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ी थी, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से ये मतदान होगा और क्या लोग सोचते हैं, क्या ये जातीय समीकरण पे इस बार का चुनाव रहेगा या स्थानीय मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे लोग यहाँ पर हैं, हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है इसमें ऐसी कौन सी खास चीज़ों पर चर्चा होगी, या फिर से जातिगत चुनाव होगा या जो सपा का गढ़ है कहा जाता है उसके हिसाब से चुनाव होगा? ये चुनाव जातवाद पर नहीं, ये चुनाव शुरू से समाजवादी पार्टी की सीट रही है और फिर से दोबारा रहेगी, क्योंकि समाज जो भी यहाँ कार्य हुआ है ओनली समाजवादी पार्टी ने किया है और किसी ने अदर पार्टी ने नहीं किया। अपना अपना मानना है, उनका कहना ये है कि सपा का गढ़ है, लेकिन क्या चीज़ें सपा का गढ़ है? उसके अलावा भाजपा भी तमाम दावे कर रही है कि हमने कई चीज़ें की हैं, तो तेज प्रताप इधर से हैं, अनिल प्रताप उधर से हैं, दोनों रिश्तेदार भी हैं, क्या कहेंगे? सन 2014 में मोदी जी नियुक्त होके आए थे भाजपा से और 10 साल बाबा जी को भी हो गए हैं, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जितना कार्य हुआ है वो समाजवादी पार्टी से ही हुआ है, कोई जातिगत वाला मामला नहीं है, जो कार्य यहाँ पे होता है वो समाजवादी पार्टी के से ही होता है, इसीलिए वही जीतेंगे तेज प्रताप यादव। आप क्या सोचते हैं, चूंकि आपने बहुत चुनाव देखे हैं, क्या जमीनी क्या मुद्दा, कोई मुद्दा ऐसा है जो यहाँ पे भाजपा ने पूरा किया हो या सपा ने पहले पूरा किया हो, ऐसा कोई? अखिलेश ने बनवाया मुझे। क्या बनवाया? बाईपास वगैरह, हाईवे वगैरह अखिलेश ने किया। भाजपा की सरकार में? भाजपा की सरकार में कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, क्या क्या लगता है एक मुद्दा, क्या चीज़ें इस बार चुनाव में रहेंगी, या चूंकि मैनपुरी करैल की अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी थी, तो अब यहाँ ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर चुनाव हो रहा है या वो उसकी बात हो रही है? चुनाव का मुद्दा ये है, बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है, कहने का मतलब वो भी समाजवादी पार्टी यानी धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, कहने मतलब कोई उनके पास ठोस कैंडिडेट नहीं है, इस मुद्दे से चुनाव हो रहा है। और ये मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ है और पुश्तैनी ये सीट रही है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, उसी में आता है ये करैल विधानसभा क्षेत्र, इसमें अखिलेश यादव पहले विधायक रहे और अब जो उन्होंने लोकसभा में कदम रखा उसके बाद ये सीट छोड़ी है, अब ये दोबारा से यहाँ मतदान होगा। हालांकि बीजेपी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब गुंडे और माफिया इन लोगों से तो निजात है, लेकिन किसान परेशान है, बेरोजगारी है, ज़मीनी मुद्दे यही रहेंगे, आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, इसी के ऊपर चुनाव। बिल्कुल, युवा हो, रोजगार की बात हो रही है, सब कह रहे हैं, क्या लग रहा है रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई भी रोजगार की बात नहीं हुई है इस बीजेपी सरकार में, जो कुछ भी हुआ है वो समाजवादी पार्टी का यहाँ काम है, विकास है, विकास के मुद्दे पर हर नौजवान किसान मजदूर वो बेरोजगार सब यही चाहते हैं कि समाजवादी सरकार की पार्टी यहीं रहेगी, अभी तक रही है और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, किसान हैं आप, क्या फ़ायदा रहा है, चूंकि 2000 रुपए की किस्त आती थी, उसके अलावा तमाम योजनाएं जो सरकार ने की हैं, क्या लग रहा है कि सपा और भाजपा का किस तरीके से चुनाव में असर किसका रहेगा? सपा को असर रहेगा भाजपा में, सपा में जो है लोकसभा में सपा को बुरा है नहीं, आप किसान हैं तो 2000 रुपए का लाभ मिला, बीजेपी कह रही है कि 2000 रुपए का लाभ दिया, तमाम योजनाएं दी, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो हमें कोई शौचालय नहीं मिलो, न कॉलोनी मिली न कुछ मिलो, हमें तो जो है सफाई अच्छी लग रही है, सफाई को वोट देंगे। बिल्कुल, सबका अपना अपना मानना है, हालांकि ये सपा का गढ़ कहा जाता है और यहाँ अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी थी, उसके बाद उन्हीं के परिवार के ही तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में हैं, लेकिन ये 20 तारीख तय करेगी कि आखिर किसके पक्ष में लोगों ने मतदान किया और किसकी विजय हुई। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18, करैल।